भाई आज बैठे बैठे रात यहीं कर दिए, समथिंग 7 बजने वाला है और यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से उसी समय मैंने सोचा था कि जब तक यहाँ का व्यू, जब रात वाला व्यू अच्छा लगता है तो क्यों ना रात वाला ही व्यू देख करके चला जाए, इसीलिए हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ से लगभग हम निकलेंगे पहले और ट्रेन पता करेंगे गोवा के लिए कि गोवा कौन सी ट्रेन जा रही है अभी, तो मैं यहाँ से चलूँगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ के ये जो झंडे होते हैं 3 रंग के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लग गया है। खैर 15 अगस्त तो बीत गया है लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम, मतलब हमेशा यहाँ पे एनी टाइम ये रहता है और हर शाम को मतलब ऐसे ही जलता रहता है। यहाँ पे जो क्रूज़ वगैरह जो है, ये जो लाइटिंग आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारे शिप है, जो बड़े बड़े शिप होते हैं क्रूज़ होते हैं, वो सारा का सारा वो लाइटिंग है वहाँ पे झंडे का है। ये दिख, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये अपने तिरंगा का है जो लहर रहा है और यहाँ पे बहुत सारा पानी है जो बहुत खूबसूरत है। यार आज तो मज़ा आ गया यहाँ पे, यहाँ का व्यू लेते लेते, क्योंकि यहाँ पे बैठे 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 बहुत इतना टाइम हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पर रह करके बैठ गए हैं, क्योंकि वैसे टाइम जब भी होता है तो ऐसा कभी पता ही नहीं चलता है कि वो टाइम कहाँ गया, पता ही नहीं चलता है क्योंकि पता ख़त्म ऐसे ही हो जाता है तो वो चीज़ें पता नहीं चलता है। इसलिए रात जैसे जैसे अगर रात होता है तो रात के टाइम में भी वैसे भी लोग को अलग अलग चीज़ें दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है। ख़ास करके गोवा और मुंबई का तो बात ही अलग है भाई साहब, क्योंकि अलग सी चीज़ें होता है देखने के बाद भी लोग अलग सा चीज़ें माइंड में घूमता रहता है। यहाँ पे देखिए ये जब टेररिस्ट अटैक हुआ था इस मुंबई ताज होटल, तो बहुत सारा दुर्घटना हुआ था उस टाइम में। यार वो दिन जब भी इसको देखते हैं तो मुझे वो दिनें याद पड़ता है। और शाम का ये मूंग वगैरह जो चना होता है वो बेलपूरी वगैरह आपको बना करके वो खिलाएंगे भाई। और यहाँ पे भी है तो हम लोग निकलेंगे, बट अभी तो बहुत सारा टाइम है क्योंकि यहाँ पे जितना ही रात तक आप मतलब टाइम सेपरेट कर सकते हैं आपको पूरा का पूरा टाइम सेपरेट करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोर फील होगा ही नहीं सबसे पहली बड़ी बात। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि बोर फील होता है तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई बोर फील नहीं होगा। ये देखिए यहाँ का नाइट व्यू है, ये साइड में लाइट नहीं जल रहा है पर ये साइड में आपको लाइट जल रहा है। हर होटल का नाइट का व्यू है ना भाई, वाकई में खूबसूरत है उसका, तो उसका और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये रहा, ये देखिए यहाँ पे क्या ब्लर करने लगा यार। हाँ ये सही रहा, तो मतलब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमेशा मतलब कि रहता है एनी टाइम ऐसा ही टाइम, मतलब ऐसा ही कलर हमेशा रहता है। और यहाँ ये जो मुंबई इंडिया गेट है कुछ इस तरीके से दिखता है, हर तरीके से इसमें अलग अलग से लाइट उस पर जल रही होगी आपको, ग्रीन का भी आ रहा है, कभी ब्लू कलर के आ रहा है, सारा अलग अलग कलर आ रहा है। और ऐसे अलग अलग रात में आप जब भी आते हैं तो रात में आपको अलग अलग से कलर दिखने को मिल जाता है। और ये अपना जो ताज होटल है इसका भी जो व्यू है नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत है। हम अब चलेंगे क्योंकि यहाँ से चलने का टाइम अब मेरा हो चुका है, गाड़ी है समथिंग 1 घंटे के बाद, तो जाने में खाने में 1 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, टिकट भी मुझे लेना होगा तो वो टिकट वगैरह लेते लेते शाम मतलब कि 1 घंटे पूरे मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब निकलता हूँ गोवा के लिए। तो पूरा ब्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए चैनल पर तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए ब्लॉग में आप लोग के साथ और बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला वीडियोज आपके साथ मिलता रहेगा। तो चलिए आपको चलते हैं नई लोकेशन पे, नई जगह पे।